Very good morning to all the participants from DTRTI Lucknow, and we are doing Indian Contract Act. This is part two of the lecture on the Indian Contract Act, and today we'll be starting from section 13. Section 13 है consent. Consent अगर आम शब्दों में देखा जाए, आम भाषा में देखा जाए, तो यदि कोई agree करता है आपसे तो हम कहते हैं कि उसने कंसेंट किया। कंसेंट शब्द लीगली कैसे डिफाइन किया गया है उसको देखते हैं। कंसेंट दो या दो से ज्यादा लोग तब कंसेंट करते हुए कहे जाते हैं जब वो एक ही चीज पर एक ही सेंस में एग्री करें। तो यहां पर एक ही सेंस भी इंपॉर्टेंट है। हम सब एक चीज पे एग्री कर सकते हैं लेकिन अलग अलग सेंस में भी एग्री कर सकते हैं। अगर हम अलग अलग सेंस में एग्री करते हैं तो वो कंसेंट नहीं है। जैसे मैं कहूं कि मुझे प्यास लगी है और मुझे पानी चाहिए, तो मुझे पानी की आवश्यकता प्यास के लिए हो सकती है और हो सकता है कि आपको पानी की आवश्यकता घर में खाना बनाने के लिए हो। तो पानी की दो आवश्यकताएं भी हो सकती हैं। तो हम दोनों एग्री करेंगे कि पानी आना चाहिए घर में, लेकिन सेंस अलग होगा। तो इसलिए अगर सेंस भी एक है, कंसेंट में जो लीगल डेफिनेशन है उसकी, उसमें एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए, साथ में सेंस भी एक ही होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देयरफॉर कंसेंट मींस एग्रीमेंट इन द सेम सेंस बिटवीन टू और मोर पर्संस। लिखना तो जरूरी है कि जब तक दो लोग नहीं होंगे कम से कम तो कंसेंट का सवाल नहीं है। और जब एक बार कंसेंट डिफाइन हो गया तो फिर आते हैं फ्री कंसेंट। क्योंकि फ्री कंसेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया था जब हमने ये कहा था कि कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। वहां पे हमने कहा था कि वो सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऐसे सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यदि वे फ्री कंसेंट से किए गए हों, ऐसे पार्टियों के द्वारा किए गए हों जो कॉम्पिटेंट थी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और लॉफुल कंसिडरेशन के इवज में किए गए हों, और लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए किए गए। उद्देश्य भी लॉफुल होना चाहिए और जिसके इवज में, जिसको प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट, वो कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए। और साथ में हमने कहा था कि फ्री कंसेंट, पार्टियों के बीच में जो कंसेंट होनी चाहिए वो फ्री होनी चाहिए, उनके ऊपर कोई मजबूरी या कोई दबाव नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से वो कंसेंट कर रहे हैं। तो वो सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो फ्री कंसेंट किए जाते हैं, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट पार्टियों के द्वारा किए जाते हैं, और लॉफुल कंसिडरेशन और उद्देश्य से किए जाते हैं। ये हमने पहले देखा है, क्योंकि हमने पहले देखा था कि इसके और पहले हमने देखा था कि एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाते हैं जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो। तो लॉ केवल उन्हीं एग्रीमेंट्स को एनफोर्सेबल करेगी जो कि फ्री कंसेंट से किए गए होंगे और जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट पार्टियों के द्वारा किए गए होंगे और लॉफुल कंसिडरेशन तथा लॉफुल उद्देश्य से किए गए होंगे। और इसी संदर्भ में हम कंसेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और अब फ्री कंसेंट को समझने की कोशिश करते हैं। फ्री कंसेंट वो है जब वो इन चीजों से नहीं की जाती। अगर हम इन चीजों को शॉर्ट में देखें तो किसी तरह के जबरदस्ती के दबाव के कारण नहीं की जाती है, बहुत कोई बेकार, कोई अनर्गल प्रभाव
के कारण नहीं की जा सकती है, कोई फ्रॉड करके की गई कंसेंट भी फ्री नहीं होती है, किसी पे फ्रॉड कर दिया गया हो, उसने इसलिए कंसेंट कर दी, कोई बात को गलत रिप्रेजेंट करके भी कंसेंट नहीं होती है, कोई गलती से भी कंसेंट नहीं होती है। तो फ्री कंसेंट वहीं होगी जहां ये चीजें नहीं होंगी, कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, ये चीजें जहां नहीं होंगी वहां पर ही फ्री कंसेंट कही जाती है कि कंसेंट फ्री है जब उसका कारण ये चीजों में से कोई भी चीज नहीं है। तो उसके बाद अब ये जो पांच चीजें हैं इसके लिए अलग अलग सेक्शन बनाए गए समझाने के लिए, जैसे सेक्शन 15 है वो कोर्शन पे है, सेक्शन 16 अंड्यू इन्फ्लुएंस, इस तरह से इनको हम सीखते जाएंगे ये सब चीजें क्या हैं। कंसेंट इज सेड टू बी सो कॉज्ड व्हेन इट वुड नॉट हैव बीन गिवन बट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सच कोर्शन, अंड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। ये कहा जाता है कि कंसेंट कॉज की गई है, कंसेंट जब हमने कहा कि व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड, जब हम कह रहे हैं व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, यानी इनका ये कारण नहीं है, तो वहां का ये भी कहा जा रहा है कि कंसेंट कॉज्ड कही जाती है इनके द्वारा जब वो नहीं दी गई होती, व्हेन इट वुड नॉट हैव बीन गिवन, यदि ये पांच चीजों में से कोई चीज नहीं होती, बट फॉर द एग्जिस्टेंस, बट यानी सिवाय, अगर एग्जिस्टेंस नहीं होता इन चीजों में से किसी का तो वो कंसेंट नहीं दी गई होती, इन चीजों की वजह से ही कंसेंट दी गई है, क्योंकि अगर जहां ये चीजें नहीं होती वहां कंसेंट फ्री हो जाती। तो ये जकड़े हैं, ये चेन्स है कंसेंट की, जो ये चेन्स अगर नहीं होगी तो कंसेंट फ्री है। अब आते हैं सेक्शन 15 पे जहां पे कोएर्शन को डिफाइन किया गया है। कोएर्शन का मतलब है कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड। कोई व्यक्ति कोई इंडियन पीनल कोड में जो क्राइम मेंशन है, इंडियन पीनल कोड में सारे क्राइम्स मेंशन है, जो जो क्राइम होते हैं सामान्य लॉ के तहत जो क्राइम माने जाते हैं, अगर कोई एक्ट उसके द्वारा इंडियन पीनल कोड के द्वारा फॉरबिड किया गया है, यानी कि मना किया गया है, और वो जो एक्ट है उसको आदमी कमिट कर देता है या धमकाता है कि मैं कमिट कर दूंगा, थ्रेटनिंग टू कमिट, तो ये कोर्शन है। और द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन, अनलॉफुली कोई रोक के रखता है किसी को या धमकाता है कि मैं तुम्हें रोक दूंगा, डिटेन कर दूंगा, एनी प्रॉपर्टी, यानी किसी भी प्रॉपर्टी को डिटेन कर दूंगा, टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के प्रेजुडिस पे, यानी वो डिटेन करेगा तो किसी पर्सन का कोई प्रतिकूलता आएगी उसी पर्सन के लिए, एनी पर्सन वट एवर पर्सन कोई भी हो, उसके लिए प्रतिकूलता आएगी अगर प्रॉपर्टी डिटेन होती है या प्रॉपर्टी को ये धमकाया जाता है कि उसको डिटेन कर दिया जाएगा। और इन सब चीज़ों के पीछे एक इंटेंशन भी होनी चाहिए, इंटेंशन ये है कि वो जो पर्सन है वो एग्रीमेंट को एंटर कर ले, इंटेंशन ये है कि कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट करवाने के लिए, एग्रीमेंट पे साइन करवाने के लिए का जो इंटेंशन है, उस इंटेंशन से जब कोई ऐसा एक्ट किया जाता है जो कि इंडियन पीनल कोड में फॉरबिडन है या उसको थ्रेटन किया जाता है करने के लिए, या अनलॉफुली किसी की प्रॉपर्टी को डिटेन किया जाता है या धमकाया जाता है कि प्रॉपर्टी डिटेन कर लेंगे, या तो प्रॉपर्टी का डिटेन करना या इंडियन पीनल कोड का क्राइम, ये करने की या तो धमकी दी जाती है या फिर करा जाता है, इंटेंशन क्या है कि वो पर्सन एग्रीमेंट पे साइन कर दे, एग्रीमेंट कर ले, तो ये इंटेंशन भी साबित करना जरूरी है वहां लॉ में। जब भी ये साबित करने की बात आती है कि कोर्शन हुआ था, फिर कोर्ट में लोग जाएंगे कहेंगे कि देखिए ये एग्रीमेंट जो था ये कोर्शन में किया गया है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है,
जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट से बंधा नहीं हूं, कोई भी व्यक्ति कह सकता है, अगर वो क्वेश्चन को साबित कर दे कोर्ट में। साबित करने के लिए उसको इंटेंशन साबित करना होगा कि जिस पर्सन ने क्वेश्चन किया उसकी इंटेंशन क्या थी, और उसको ये साबित करना होगा कि कोई प्रॉपर्टी डिटेन की गई या थ्रेटन किया गया, या उसको ये साबित करना होगा कि इंडियन पीनल कोड का कोई भी एक्ट जो है कोई कृत्य किया गया या फिर थ्रेटन किया गया करने के लिए, और साथ में इंटेंशन भी साबित करनी होगी। इट इज इमटीरियल वेदर द इंडियन पीनल कोड और इज नॉट इन्फोर्स इन प्लेस वेदर क्वेश्चन इज एम्प्लॉयड। इंडियन पीनल कोड का वहां पे फोर्स में होना जरूरी नहीं है जहां पर भी क्वेश्चन एम्प्लॉय किया गया है। मालिक हमारे देश से बाहर कई क्वेश्चन किया गया, जो क्वेश्चन कर रहा है वो देश से बाहर बैठा है, वहां पे इंडियन पीनल कोड नहीं चल रहा क्योंकि तो हमारे देश से बाहर है वो। तो जहां इंडियन पीनल कोड नहीं भी चल रहा है और क्वेश्चन वहां एम्प्लॉय किया जा रहा है तो वो भी क्वेश्चन है, क्योंकि इंडियन पीनल कोड में किसी को पनिश करने की बात यहां नहीं की जा रही है। यहां बात यह की जा रही है कि जो क्राइम्स जो एक्ट्स इंडियन पीनल कोड में फॉरबिडन है वो एक्ट्स फोकस एक्ट्स पे है, कृत्यों पे है फोकस, फोकस इंडियन पीनल कोड पे नहीं है, क्योंकि इंडियन पीनल कोड का क्रियान्वयन नहीं करवाना है। यहां पे केवल वो जो कृत्य मेंशनड है इंडियन पीनल कोड, वहां से उद्धृत किए जा रहे हैं कृत्यों को, इंडियन पीनल कोड से कृत्यों को निकाल के कहा जा रहा है कि ये कृत्य जो भी करेगा और उसका इंटेंशन होगा कि किसी से एग्रीमेंट में करवा लेना तो वो क्वेश्चन में आएगा। अब इलस्ट्रेशन में कहा गया है कि एक व्यक्ति ए है जो कि इंग्लिश के एक इंग्लिश जहाज पे जो हाई सीज में है जहाज, वहां पे वो बी को कॉज करा रहा है कि वो एग्रीमेंट कर ले, और वो ऐसा कृत्य करके करा रहा है जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन में आता है। इंटिमिडेट करना मतलब डराना धमकाना, इंडियन पीनल कोड के क्रिमिनल इंटिमिडेशन में आता है। ऐसे कृत्य से वो दूसरे को कारित कराता है कि वो एग्रीमेंट कर ले, तो क्या है वो क्वेश्चन। तो इसी तरह से आप इलस्ट्रेशन पढ़ते जाइए, और अगर कोई इलस्ट्रेशन आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज लेट मी नो एट एनी स्टेज। आई विल ट्राई टू डील विद द क्वेश्चन राइट देन एंड देयर इफ इट इज ब्रॉट टू माई नोटिस। अगले पे आते हैं सेक्शन 16। सेक्शन 16 कहता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। कोशिश हमारी है कि हिंदी भाषा में आपको उसको इतने ढंग से समझा दिया जाए कि कोई भी आपके पास उदाहरण आए उसको आप समझ जाएंगे कि उसके कौन कौन से पहलू हैं लॉ के, उसमें वो अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। समझना इसमें मुख्य बात क्या है कि जो डेफिनेशन में पहलू दिए हुए हैं, जैसे क्वेश्चन की डेफिनेशन में पहलू जो दिए हैं वो एक तो इंटेंशन वाला पहलू है, दूसरा पहलू है कृत्यों का जो कि फॉरबिड किए गए हों यानी जो अनलॉफुल कृत्य हैं, और तीसरा ये है कि प्रॉपर्टी की किसी की अगर डिटेन की जाती है और उससे किसी पर्सन का प्रेजुडिस होता है। प्रेजुडिस होना भी जरूरी है, अगर कोई प्रेजुडिस ही नहीं हो रहा, कोई किसी का नुकसान ही नहीं हो रहा क्वेश्चन से, फिर क्या है। तो प्रेजुडिस, इंटेंशन, प्रॉपर्टी एंड इंडियन पीनल कोड क्राइम्स, ये चार यहाँ पे पहलू है। तो इन पहलू को के मद्देनजर देखना होगा कि क्वेश्चन हुआ है कि नहीं हुआ। अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है उसका क्या मतलब है। 16.1, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशन सब्सिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट one of the parties is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other. तो यहां पे देखिए क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट को यह कहा जाता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस से प्रेरित किया गया। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, अनड्यू मतलब जो उपयुक्त ना हो, अनुपयुक्त प्रभाव। अनुपयुक्त प्रभाव से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से प्रेरित कब माना जाएगा किसी कॉन्ट्रैक्ट को, जहां पर जो भी रिलेशंस हैं पार्टियों के बीच में
जो रिलेशन सब्सिस्ट कर रहे हैं, जो रिश्ता है पार्टियों के बीच में, वो इस प्रकार का रिश्ता है कि पार्टियों में से जो एक है, वन ऑफ द पार्टीज, इस पोजीशन में है कि वो दूसरे की इच्छा शक्ति को डोमिनेट कर दे, दूसरे की इच्छा के ऊपर वो अपने बल से प्रिवेल कर ले, उसको हरा दे, उसको डोमिनेट कर ले, विल दूसरे का, इच्छा को, एंड यूजेस दैट पोजीशन. एक तो वो इस पोजीशन में है क्योंकि उनके रिश्ते इस तरह के हैं, जैसे मालिक नौकर का रिश्ता हो सकता है, या हस्बैंड वाइफ का भी रिश्ता हो सकता है. एक पार्टी, दोनों पार्टियों के बीच में ऐसा कुछ रिश्ता है जिसकी वजह से एक पार्टी इस पोजीशन में है कि वो दूसरे पार्टी के विल को डोमिनेट कर दे एंड यूजेस दैट पोजीशन, और वो यूज भी करती है उस पोजीशन, उस पोजीशन का यूज करना भी जरूरी है. अगर बिना यूज करे डोमिनेट कर देती विल को तो बात दूसरी, तब अंडू इन्फ्लुएंस नहीं होगा. और उस पोजीशन को वो यूज करती है टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज, एक ऐसा एडवांटेज जो कि अनफेयर है, जो कि उचित नहीं है, अनुचित एडवांटेज उसको मिल जाता है. एक फेयर अगर एडवांटेज मिल रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है. तो अनफेयर एडवांटेज एक पहलू है अनड्यू इन्फ्लुएंस का, पोजीशन को यूज करना एक पहलू है. तीसरा पहलू है कि डोमिनेट की करने की पोजीशन में उसको होना चाहिए एक पार्टी को, ऐसे रिश्ते उनके होने चाहिए, रिश्तों की वजह से वो डोमिनेट की करने की पोजीशन में होना चाहिए, और उसके बाद वो उस पोजीशन को यूज करे और उसके उससे एक अनफेयर एडवांटेज ले ले ओवर द अदर. ओवर द अदर ने ऐसा एडवांटेज जो दूसरे के ऊपर है, दूसरा दूसरे का नुकसान हो रहा है और इसका फायदा हो रहा. तो 16.2 में क्या लिखा है, 16.2 में है, इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर. पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अनदर को डिफाइन किया जा रहा है सब सेक्शन 2 में. जो वाक्यांश इस्तेमाल किया गया था पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर, ये 16 में इस्तेमाल किया गया था. तो ये पोजीशन टू डोमिनेट है क्या? खास तौर पे ये कहा गया है कि और 16.1 में जो जनरलिटी है इसके पहले के सिद्धांत की, वो जनरली तो ठीक है, जो जनरल मीनिंग है वो चलेगा, जनरल मीनिंग विल डेफिनेटली वर्क. लेकिन खास तौर पे जब हम कहते हैं कि मान लिया जाएगा उसको कि पोजीशन में है, ये डीमिंग प्रोविजन है कि कुछ कंडीशंस ऐसी भी हो सकती हैं जहां पे डीम किया जाए या मान लिया जाए कि एक पर्सन दूसरे के विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में है. और ये कब माना जा सकता है? वेर ही होल्ड्स अ रियल और अपेरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर, और वेर ही स्टैंड्स इन अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप टू द अदर, और वेर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness or mental or bodily distress. ये दो conditions हैं जहां पर जिनको कहा जाता है कि जब मान लेंगे हम कि एक पार्टी दूसरे के विल को डोमिनेट करने की पोजिशन में है, कि जब वो उसके पास कोई रियल या कोई प्रतीत होती हुई अथॉरिटी है दूसरे की, रियल अथॉरिटी भी उसकी प्रतीत होती हुई अथॉरिटी भी है. कई बार अथॉरिटी प्रतीत हो रही होती है और रियल अथॉरिटी पता नहीं होती है आपको कैसे है. तो अगर प्रतीत भी हो रही है अथॉरिटी, एक पर्सन की दूसरे पे अथॉरिटी है, वो जो कह रहा है उसकी बात मान रहा है, वो ये अपेरेंट है, ये प्रतीत हो रहा है, और या फिर रियल अथॉरिटी है, या फिर वो एक फिड्यूशरी कैपेसिटी में है, ट्रस्ट वाली कैपेसिटी में है, एक फिड्यूशरी रिलेशन है, उसका ट्रस्टी है, उसके लिए काम कर रहा है. फिड्यूशरी कैपेसिटी ऐसा है, फिड्यूशरी रिलेशन जिसमें कि एक दोनों आपस में इस तरह से बंधे हैं कि एक आदमी दूसरे के लिए काम कर रहा है ट्रस्ट में, he has been entrusted to do something. तो जहां पर भी कोई फिड्यूशरी रिलेशन है या कोई रियल या अपेरेंट अथॉरिटी है, तो वहां पर हम कह देंगे कि वो उस पोजिशन में है. डोमिनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा वो बात दूसरी, पोजिशन में है डोमिनेट करने के, क्योंकि उसके पास रियल अपेरेंट अथॉरिटी है या कोई फिड्यूशियरी रिलेशन है. और डू बी में कहा जा रहा है जब वो
किसी ऐसे पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसकी जो मानसिक काबिलियत है वो कुछ समय के लिए या परमानेंटली उस पर असर हो गया है, उसकी मानसिक काबिलियत पे असर हो गया है, क्योंकि उम्र की वजह से या बीमारी की वजह से या मानसिक या शारीरिक परेशानी की वजह से। कोई मानसिक या शारीरिक परेशानी से गुजर रहा है, डिस्ट्रेस से गुजर रहा है, डिस्ट्रेस होता है जब अचानक बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है तो प्रेशर पैदा होता है, डिस्ट्रेस पैदा होता है बॉडी पे या माइंड पे, या कोई बीमारी होती है या कोई उम्र ज़्यादा हो गई है किसी की, और इसकी वजह से इन सारे कारणों की वजह से उसकी जो मेंटल कैपेसिटी है, उसकी जो मानसिक काबिलियत है, उस पर असर हो गया है। ये असर टेम्प्रेरी भी हो सकता है और ये असर परमानेंट भी हो सकता है। तो जहाँ पर भी एक ऐसे पर्सन से कॉन्टैक्ट हो रहा है जिसकी मानसिक कैपेसिटी अफेक्ट हो गई है, तो वहां पर भी हम कहेंगे कि ये पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उससे, जिसकी मानसिक कैपेसिटी अफेक्ट हो गई है, वो इस पोजीशन में है कि उस दूसरे के विल को डोमिनेट कर ले जाए। उसके बाद 16:3 में कहा जा रहा है कि वेयर अ पर्सन हु इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिम एंड द ट्रांजैक्शन अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ इट और ऑन द एविडेंस अड्यूस्ड टू बी इनकॉन्शनेबल टू बी अनकॉन्शनेबल द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट सच कॉन्ट्रैक्ट वॉज नॉट इंड्यूस्ड बाई अनड्यू इन्फ्लुएंस शैल लाई अपॉन द पर्सन इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। अब लॉ इस तरह से चीज़ों को देखती है, हर चीज़ के पीछे कारण होता है। यहाँ कहा जा रहा है 16:3 में, जब भी एक पर्सन पोजीशन में है डोमिनेट करने के, चाहे वो डीम्ड है डोमिनेट करने की पोजीशन में या वो एक्चुअली है, जहाँ पर भी कोई पर्सन इस पोजीशन में है कि दूसरे की इच्छा को डोमिनेट कर सकता है और वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लेता है, और उसके बाद जो ट्रांजैक्शन है, जो लेन देन है, वो ऐसा प्रतीत होता है, लेन देन का मतलब कोई सामान का ही लेन देन नहीं होता, जो भी दोनों के बीच में लेन देन हो रहा है, जो सामान का भी हो सकता है और बाकी जो बातचीत का भी हो सकता है, कोई भी लेन देन जो हो रहा है, वो ऐसा प्रतीत होता है ऑन द फेस ऑफ इट प्रथम दृष्टया शक्ल देख के प्रतीत होता है, या फिर जब सबूत अड्यूस किए जाते हैं तब प्रतीत होता है कि वो अनकॉन्शनेबल है, यानी कोई जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अनकॉन्शनेबल वो है जो कि फेयर नहीं है, ऐसी चीज जो आपके अंतरात्मा उसकी जिसको अच्छा ठीक नहीं मानेगी, आपकी कॉन्शियंस जिसको अच्छा नहीं मानेगी, उसको कहा जाता है अनकॉन्शनेबल, जिसको आपके अंतरात्मा अप्रूव नहीं करती है। तो ट्रांजैक्शन फेस पर ही या फिर एविडेंस अड्यूस करने पे ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे कि वो सही नहीं है, अनकॉन्शनेबल है, और जो पर्सन जो कर रहा था दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट, वो इस पोजीशन में था कि वो दूसरे के विल को डोमिनेट करे। एक तो पोजीशन में था डोमिनेट करने के, और प्रतीत भी हो रहा है कि जो ट्रांजैक्शन है वो जस्टिफाइड नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में जो प्रूव करने का बर्डन है कि वो जो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था, प्रूव करने का बर्डन, बर्डन ऑफ प्रूफ जिसको बोलते हैं, और जब आप एविडेंस एक्ट में पढ़ेंगे तो जगह जगह पर बर्डन ऑफ प्रूफ आता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, ये प्रूफ करने का बर्डन कि वो कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से प्रेरित नहीं था, वो उस पर्सन पे लाया करेगा जो इस पोजीशन में था डोमिनेट करने के विल के दूसरे की। एंड नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की यहाँ बात हो रही है। लेट अस गो एंड सी द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट so that we come to understand it better.
Now, Section 11 of the Indian Evidence Act is like this, that proof of good faith in transactions where one party is in relation of active confidence. जहां पर भी एक क्वेश्चन सवाल है कि जो ट्रांजैक्शन था पार्टियों के बीच में वो गुड फेथ में था कि नहीं था, जहां पर भी प्रश्न उठता है गुड फेथ के बारे में किसी भी ट्रांजैक्शन के पार्टियों के बीच में, इनमें से एक स्टैंड कर रही है दूसरे के मुकाबले में पोजीशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस, वन ऑफ हुम स्टैंड्स टू द अदर इन ए पोजीशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस, तो एक पार्टी दूसरे के मुकाबले में एक्टिव कॉन्फिडेंस की पोजीशन में है, यानी कि उसका जो पूरी वो कॉन्फिडेंट है, एक्टिवली कॉन्फिडेंट है उस रिलेशनशिप के बारे में, तो जो बर्डन ऑफ प्रूविंग है उस गुड फेथ को प्रूव करने का जो बर्डन है उस पार्टी पे है जो कि पोजीशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस पे है। तो जब हम जो शब्द अनड्यू इन्फ्लुएंस में यूज कर रहे हैं, पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात हो रही है पोजीशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। एक्टिव कॉन्फिडेंस में दूसरा व्यक्ति उसको कॉन्फिडेंस अपने ये कॉन्फिडेंट है कि उसका रिलेशन उससे मजबूत है और इसलिए वो पूरे कॉन्फिडेंस में है उसके साथ, कहने का मतलब एक पूरा उसका ट्रस्ट है आपस में, और एक पर्सन जो पहला पर्सन है वो एक्टिव कॉन्फिडेंस में है दूसरे के। तो जहां पर भी जो व्यक्ति इस पोजीशन में है एक्टिव कॉन्फिडेंस में, यानी कि वो उसकी दूसरा व्यक्ति उसकी बात सुनेगा क्योंकि वो एक्टिव कॉन्फिडेंस में है, तो दूसरा व्यक्ति ऑब्वियसली उसकी बात को मानेगा, इसका पूरा पूरा चांस है। तो ऐसे कंडीशन में जब एक्टिव कॉन्फिडेंस में एक पार्टी होती है तो जो प्रूफ करने का बर्डन है गुड फेथ को ट्रांजेक्शन के, वो उस पार्टी पे होगा जो कि पोजीशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस में थी। इसमें इलस्ट्रेशन भी दिया गया कि अ गुड फेथ ऑफ अ सेल बाय अ क्लाइंट टू एन अटॉर्नी इज इन क्वेश्चन इन अ सूट ब्रॉट बाय द क्लाइंट, द बर्डन ऑफ प्रूविंग द गुड फेथ ऑफ द ट्रांजेक्शन इज ऑन द अटॉर्नी, क्योंकि आदमी अटॉर्नी के पास जाता है, अटॉर्नी में लॉयर, और जो लॉयर किसी भी व्यक्ति का लॉयर होता है वो उसका पर्सन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो उनमें आपस में जो रिश्ता है उसमें अटॉर्नी की बात क्लाइंट सुनेगा, जो भी अटॉर्नी एडवाइस देगा वो क्लाइंट सुनेगा, यानी कि अटॉर्नी के एक्टिव कॉन्फिडेंस में है वो क्लाइंट। तो ऐसी कंडीशन में जहां पर क्लाइंट अटॉर्नी के एक्टिव कॉन्फिडेंस में है तो गुड फेथ उनके बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है उसके गुड फेथ को प्रूव करने का जो बर्डन है वो अटॉर्नी पे है, क्योंकि अटॉर्नी है पोजीशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। ऐसे गुड फेथ ऑफ अ सेल बाय अ सन जस्ट कम ऑफ एज टू अ फादर, एक लड़का अभी मेजर हुआ है माइनर से, कम ऑफ एज यानी अभी बड़ा हुआ है, अभी मेजर हुआ है, वो फादर को सेल कर रहा है, और जब फादर को सेल करता है उसमें सूट आ रहा है कोर्ट में, सन सूट लेके आ रहा है कोर्ट में, तो ये प्रूव करने का बर्डन कि वो गुड फेथ था वो फादर पे है, कि वो जो ट्रांजेक्शन था वो गुड फेथ में किया गया था, ये प्रूव करने का जो बर्डन है वो फादर पे है। और अगर वो फादर नहीं प्रूव कर पाते गुड फेथ तो गुड फेथ नहीं माना जाए, अगर सन लेके आया है मुकदमा कि गुड फेथ नहीं था, ट्रांजेक्शन गुड फेथ में नहीं हुआ है, वैसे कंडीशन में जो फादर है उनको प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं गुड फेथ में था, क्योंकि वो पोजीशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस में थे। तो लेकिन यहां पे जब हम पढ़ रहे हैं अपना सेक्शन, वहां ये कहा जा रहा है कि इस सब सेक्शन में जो भी बात की जा रही है वो सेक्शन 11 पर कोई असर नहीं करेगी, क्योंकि यहां पर बात हो रही है पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर की, और उसके कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है कि जो बर्डन है प्रूव करने का कि वो कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस नहीं किया गया था अनड्यू इन्फ्लुएंस से, वो उस पर्सन पे लाया करेगा जो कि पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर, यानी कि यहाँ पे पोजीशन टू डोमिनेट द विल की बात हो रही है और वहां पे पर्सन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, यहाँ पे डोमिनेशन की बात हो रही है,
दूसरे बिल को डोमिनेट करने की कोई पोजीशन में है कि नहीं, वहां कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस में जब कोई चीज की जाती है तो वो पूरे ट्रस्ट के साथ की जाती है, यानी सन का, जैसे जैसे सन अपने फादर पे पूरा कॉन्फिडेंस रखते हैं, सन जो है सन और फादर के बीच में कॉन्फिडेंस का पूरा माहौल होता है। वहां पर ये नहीं है कि फादर इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द सन, वहां ये मुद्दा नहीं है। सेक्शन 111 में, सेक्शन 111 में है जब दो पार्टियों के बीच में एक्टिव कॉन्फिडेंस की स्थिति है और एक पर्सन ज्यादा एक्टिव कॉन्फिडेंस का पर्सन है, तो जो एक्टिव कॉन्फिडेंस का पर्सन है वो उनके बीच के ट्रांजेक्शन गुड फेथ को साबित करेगा अगर दूसरा पर्सन उसके खिलाफ मुकदमा ले आता है बाद में कि ये मेरे एक्टिव कॉन्फिडेंस के थे, इन्होंने गुड फेथ में ट्रांजेक्शन नहीं किया। जो पर्सन एक्टिव कॉन्फिडेंस में था वो उसको साबित करेगा। यहां पे बात हो रही है विल को डोमिनेट करने, विल को डोमिनेट करने का मतलब कि मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई मुझे डोमिनेट करके ले जाए। कॉन्फिडेंस की बात जहां होती है वह ट्रस्ट की बात है कि मेरी इच्छा ही वही होगी जो मेरे साथ जो एक्टिव कॉन्फिडेंस में है वो वही मेरी इच्छा को इवॉल्व करेंगे। मेरी इच्छा ही नहीं होगी कुछ ऐसा काम करने की जो व्यक्ति एक्टिव कॉन्फिडेंस में है अगर वो जो बात कह रहा है कि नहीं करो। लेकिन यहां पर बात हो रही है पोजीशन टू डोमिनेट द विल, कि जो इच्छा किसी की है उसको डोमिनेट करना, जो नहीं चाहता वो करना उसको भी करवा देना। तो जहां पर ये सवाल उठता है कि कॉन्ट्रैक्ट अंडू इन्फ्लुएंस से किया गया था कि नहीं किया गया था, वहां पर ये देखना होता है कि जो पर्सन है डोमिनेट कर रहा है, जो कर सकता है विल को उस पोजिशन में जो है, वो ही साबित करेगा कि अंडू इन्फ्लुएंस से इसको नहीं किया गया था। बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है क्योंकि वो ऐसी पोजिशन में था कि वो कर सकता था। यहां पे कॉन्फिडेंस में लाने की बात नहीं हो रही है, यहां पे इच्छा को डोमिनेट करने की बात हो रही है। इसीलिए दोनों सेक्शंस को अलग किया गया कि कोई कंफ्यूजन ना हो। सेक्शन 111 में जो भी लिखा है उसका इस सेक्शन का कोई असर उस पर नहीं होगा और इस तरह से कोई भी चीज कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। इसके इलस्ट्रेशंस भी हैं, अंडू इन्फ्लुएंस के इलस्ट्रेशन है जो आप पढ़िएगा। पहला इलस्ट्रेशन हम लोग देख लेते हैं। ए ने कुछ पैसा एडवांस किया था अपने बेटे सन बी को जब वो माइनर था और अपॉन जब बी बड़ा हुआ, अपॉन बी इज कमिंग ऑफ एज, वो अपनी पेरेंटल इन्फ्लुएंस को मिसयूज उसने किया और उसने बी से एक बॉन्ड डरवा लिया एक ज्यादा राशि के लिए, फॉर ए ग्रेटर अमाउंट देन द सम ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द एडवांस। उसने जब वो मेजर हुआ तो बॉन्ड भरवा लिया कि तुमको, उसने दिया तो था 100 रुपये और बॉन्ड ये भरवा लिया कि मैंने तुमको 1000 रुपये दिए थे और अब तुमको 1000 रुपये मुझे वापस करने। तो ऐसे कंडीशन में ए ने अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज किया, उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज किया क्योंकि अनड्यू इन्फ्लुएंस के जो चीजें हैं इसमें जो इंग्रीडियंट्स हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस के, उसमें एक अनफेयर एडवांटेज लेने की भी बात होती है। पिता को एक अनफेयर एडवांटेज मिल गया क्योंकि उसने अपनी डोमिनेट करने की, विल को डोमिनेट करने की पोजीशन को मिसयूज किया। सन बड़े ही मेजर हो गया था लेकिन पिता की बात उसको सुननी पड़ेगी। सन को पिता में ट्रस्ट हो चाहे ना हो उससे मतलब नहीं है, पिता को एक्टिव कॉन्फिडेंस के हो चाहे ना हो, लेकिन यहाँ केवल ये देखना है वो उस पोजीशन में है कि नहीं है डोमिनेट करने के विल में, यहाँ ये नहीं देखना कि वो एक्टिव कॉन्फिडेंस में है कि नहीं। तो ऐसे कंडीशन में जब जब पिता ने पैसा सन को तब दिया था जब वो माइनर था और बाद में उनके मेजर होने पे उन्होंने गलत कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया और उससे एक अनफेयर एडवांटेज पिता को मिल गया, तो ये कहा जाएगा कि ए ने अनड्यू इन्फ्लुएंस यहाँ पर एम्प्लॉय किया है। यहाँ ये नहीं कहा जाएगा कि उन्होंने एक्टिव कॉन्फिडेंस के व्यक्ति थे और उन्होंने उसको मिसयूज कर लिया एक्टिव कॉन्फिडेंस को, क्योंकि उन्होंने उसको कॉन्फिडेंस में लेके वो काम नहीं किया।
उन्होंने अपने पेरेंटल इन्फ्लुएंस का मिसयूज किया है, तो पेरेंटल प्रभाव है उसका मिसयूज किया है। मैं हूं तुम्हारा पिता, मैं पेरेंट हूं, मैं जो कह रहा हूं वो करो, यहां साइन कर दो, वहां साइन कर दो। यहां पे देखा जाता है कि एक पर्सन दूसरे के विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में है कि नहीं, यहां ये फैक्ट देखा जाता है। और अगर उसके पास कोई रियल अथॉरिटी है, ये रियल अथॉरिटी में आता है पेरेंटल अथॉरिटी, तो अगर रियल अथॉरिटी होती है, कई बार अपेरेंट अथॉरिटी भी हो सकती है, दो लोगों के बीच में इतना क्लोज रिश्ता है कि वो किसी भी बंधन में नहीं बंधे, कोई रिलेटिव भी नहीं आपस में, लेकिन प्रतीत हो रहा है कि दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति की बात सुन के सारा काम कर रहा है, तो जहां प्रतीत भी होता है वहां पर भी ये माना जाएगा कि वो इस पोजिशन में है कि दूसरे के विल को डोमिनेट करे। इसके बाद आते हैं सेक्शन 17 पे, जहां फ्रॉड की बात हो रही है। और इसको समझने की कोशिश करते हैं। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग। फ्रॉड वर्ड आप लोग बहुत सब लोग हम लोग यूज करते हैं, लेकिन फ्रॉड क्या लीगल मीनिंग क्या है ये अगर हम समझ लेंगे, तो जब भी हम फ्रॉड शब्द का अर्थ का कहीं इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता होगा कि अगर कारण की शक्ति लगा के देखा जाए तो फ्रॉड एक्चुअली है क्या चीज, क्योंकि जो लॉ बनती है ये कारण की शक्ति को लगा के बनती है। इस पे बहुत सोच विचार होता है और तभी ये लॉ बनती है, और ये लॉ स्टैंड कर रही है, इसका मतलब कि इस पे काफी सोच विचार आगे भी हुआ है। और ये पाया गया है कि फ्रॉड की जो डेफिनेशन है, क्योंकि वो इतने सालों से स्टैंड कर रही है, तो इसका मतलब है कि 1872 में यहाँ पे फ्रॉड को डिफाइन किया गया। ऑलमोस्ट वी आर 150 ईयर्स फ्रॉम देन, 150 साल बाद भी जो डेफिनेशन है वो वैसी वैसी बनी हुई है। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। जो निम्नलिखित एक्ट दिए हैं वो फ्रॉड में आते हैं, और विद हिज कन्वाइवेंस और बाय हिज एजेंट, या उसके साथ मिली भगत में। कन्वाइवेंस मतलब जब कोई क्राइम करने के लिए मिली भगत की जाती है उसको कहते हैं कन्वाइवेंस, या उसके एजेंट के द्वारा अगर किया जाता है इनमें से कोई भी एक्ट, या तो खुद करती है पार्टी, या उसके कन्वाइवेंस में कोई और करता है, या उसका कोई एजेंट करता है। और इंटेंशन क्या है, इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी, दूसरे को धोखा देने का इंटेंशन है। डिसीव अनदर पार्टी देयर टू ऑफ हिज एजेंट और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो या तो उसको इंटेंशन है धोखा देने का, या इंटेंशन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ले, उसको प्रेरित करने का इंटेंशन है। तो जहां पर इंटेंशन धोखा देने का हो, या इंटेंशन ये हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए प्रेरित हो जाए, और इस प्रकार से जो भी काम पार्ट किया जाता है डिसीव करने के इंटेंशन से, या इंड्यूस करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए, और वो काम इनमें से कोई काम है जो पीछे जो पांच मेंशन है यहाँ पे, तो वो फ्रॉड कहलाता है। तो यहाँ पे इंटेंट टू डिसीव इज वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में जो इंड्यूस हिम टू एंटर द कॉन्ट्रैक्ट, तो पहला पहला है सजेशन एज ए फैक्ट ऑफ दैट इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। एक व्यक्ति ये विश्वास नहीं करता कि एक तथ्य सही है, एक कोई व्यक्ति है वन जो ये विश्वास जिसको विश्वास नहीं है कि कोई तथ्य सही है, और वो तथ्य सही है भी नहीं, विच इज नॉट ट्रू। एक ऐसा व्यक्ति है जो विश्वास नहीं करता कि वो सही है, पहली बात। दूसरी बात यह कि वो सही है भी नहीं, विच इज नॉट ट्रू। उसका सुझाव वो व्यक्ति ऐसे देता है जैसे वो तथ्य है, एज ए फैक्ट, वो फैक्ट है। अ सजेशन एज ए फैक्ट, तो यहां जो फैक्ट वर्ड का मीनिंग आ रहा है वो एक सत्य तथ्य के रूप में आ रहा है।
यानी सत्य तथ्य के रूप में सुझाव दे रहा है एक ऐसी चीज का जो सत्य नहीं है, और उसके उसे विश्वास भी है कि वो सही नहीं, केवल उसे संदेह नहीं है, उसे विश्वास है कि वो सही है कि सही नहीं है, और वो तथ्य सही है भी नहीं, लेकिन फिर भी वो सुझाव दे रहा है कि ये सही है, तो ये फ्रॉड की डेफिनेशन में आता है। दूसरा, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ ए फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ ए फैक्ट। एक व्यक्ति एक फैक्ट को बिलीव करता है या उसे नॉलेज है एक फैक्ट की, राइट? एक व्यक्ति है जिसको नॉलेज है एक फैक्ट की, या वो विश्वास करता है कि वो उस फैक्ट के बारे में विश्वास करता है कि वो तथ्य है, लेकिन उस तथ्य को एक्टिवली छुपाता है। तो छुपाने का मतलब केवल छुपाना ही नहीं, एक्टिवली छुपाता है, यानी जहाँ पे मंशा पूर्वक छुपाना है वो इसमें बहुत एक्टिव है कि छुपाया जाएगा, ये तथ्य बिल्कुल ना बताया जाए, इस तथ्य को छुपाना है। और तीन में आ रहा है प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग। अगर एक वायदा इसलिए किया जाता है कि उसको परफॉर्म करने का कोई इंटेंशन नहीं है, केवल वायदा, झूठा वायदा, फर्जी वायदा, झूठा वायदा जिसमें इंटेंशन नहीं है परफॉर्म करने का, और इंटेंशन क्या है, किसी को धोखा देने का इंटेंशन है, राइट? तो वो एक फ्रॉड है। छोटे स्तर पे अगर इसको देखा जाए कि मैंने किसी को कहा कि मैं तुम्हारा गोल मार्केट पे इंतजार करूंगा, और मैंने वायदा किया कि मैं तुम्हारा गोल मार्केट पे 2 बजे इंतजार करूंगा, और मैं जानता था कि मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं, इंटेंशन ही नहीं था मेरा 2 बजे गोल मार्केट पहुंचने का, इंटेंशन बस ये था कि आपको धोखा दे दूं, कि आप किसी भी वजह से, हो सकता है मैं आपको किस वजह से धोखा देना चाहता हूं वो वजह नहीं आ रही है इसमें, हो सकता है पहले मुझे आपने धोखा दिया हो, उसके जवाब में मैं आपको धोखा दे रहा हूं। तो धोखे देने के इंटेंशन से जब मैं एक प्रॉमिस कर रहा हूं जो जिसके पीछे इंटेंशन नहीं है परफॉर्म करने का, तो वो जो प्रॉमिस करना है, इंटेंशन धोखा देने का अगर है, इंटेंट टू डिसीव, तो फ्रॉड कर रहा हूं। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, कोई भी ऐसा काम अगर कोई करे जो धोखा देने के लिए करे, इस काम को बनाया ही धोखा देने के लिए किया गया हो, उसके बाद एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट, या कोई ऐसा कार्य करना या किसी कार्य का न किया जाना जहां पर उस एक्ट या ओमिशन को लॉ ने फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर किया हुआ है, जहां लॉ डिक्लेयर करती है कोई कार्य को या कार्य के न किए जाने को फ्रॉडुलेंट, और वही कार्य मैं अगर करता हूं या नहीं करता हूं तो मैं फ्रॉड कर रहा हूं, क्योंकि लॉ ने डिक्लेयर कर दिया कि फ्रॉडुलेंट है, लेकिन मैं वो कार्य को कर रहा हूं, तो वो फ्रॉड माना जाएगा अगर वो इस इंटेंशन से किया गया हो कि धोखा देने के इंटेंशन से, या फिर किसी को कॉन्ट्रैक्ट करवाना। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो इंटेंट टू डिसीव होना चाहिए या फिर इंड्यूस टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, ये होना चाहिए। और एक्सप्लेनेशन में क्या गया है कि मेरिट साइलेंस एज टू द फैक्ट्स लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ पर्सन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रॉड अनलेस द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस आर सच दैट रिगार्ड बीइंग हैड टू देम इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन कीपिंग साइलेंस टू स्पीक और अनलेस हिज साइलेंस इज इन इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच। इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, कई बार लोग किसी तथ्य को छुपाने के लिए चुप हो जाते हैं। एक तो बात आई कि अगर एक्टिवली कंसील करते हैं तो एक्टिव कंसीलमेंट तो ये 2 में आ रहा है। कई बार क्या है कि एक फैक्ट को कंसील करने के तरीके में एक्टिवनेस नहीं है, इनएक्टिविटी है, बस बिना एक्टिविटी के छुपाया जा रहा है उसको। एक्टिव कंसीलमेंट तो है कि मैंने कोई चीज ली, कहीं छुपा दी, नीचे बिस्तर के नीचे छुपा दी, यहाँ छुपा दिया, वहां छुपा दिया, एक्टिवली कंसील कर दिया। दूसरी और बात यह आती है कि एक्टिवली कंसील करने की जगह पे
मैं चुप हो गया किसी तथ्य के बारे में, मियर साइलेंस एज टू फैक्ट, महज चुप हो जाना फैक्ट्स के बारे में, और ये जानते हुए कि ये संभावना है कि अगर मैं चुप रहूंगा तो दूसरा व्यक्ति विलिंग हो जाएगा, ये असर करेगा दूसरे व्यक्ति के इच्छा शक्ति पे कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे, ये फ्रॉड नहीं है। मेयर साइलेंस फ्रॉड नहीं है जब तक कि ऐसा ना हो। यहाँ पर लेकिन एक शर्त है कि जो केस के परिस्थितियाँ हैं वो ऐसी हैं कि उन परिस्थितियों के मद्देनज़र, रिगार्ड बींग हैड टू देम, अगर उन परिस्थितियों को देखा जाए, उनको रिगार्ड किया जाए, तो उस पर्सन की ड्यूटी थी, यानी मेरी ड्यूटी थी जो चुप है बोलने की। अगर मेरी ड्यूटी थी बोलने की लेकिन मैं चुप हो गया, राइट, तो वहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं फ्रॉड कर रहा हूं। हाँ, इंटेंशन टू डिसीव होना चाहिए, जहां पर भी मेरी ड्यूटी थी बोलने लेकिन मैं चुप हो गया। सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जहां मुझे बोलना था, जहां मेरी ड्यूटी थी बोलने की, सर्कमस्टांसेस में, परिस्थितियों के अनुसार मेरी ड्यूटी थी बोलने की लेकिन मैं चुप हो गया, या जब तक मेरी चुप्पी ही, अनलेस इज साइलेंस इज इन इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच, अगर मेरा चुप्पी बोलने के बराबर है, तो अगर मेरी चुप्पी बोलने के बराबर है तो फिर मैंने तो बोला है तो मैं चुप थोड़ी रहा। लेकिन ऐसे कंडीशन में जहां मेरी चुप्पी बोलने के बराबर थी और मैं चुप हो गया, जहां मेरी चुप्पी ही बोलने के बराबर थी, अनलेस इज साइलेंस इन इटसेल्फ, कहने मतलब कि साइलेंस जहां पे खुद इक्विवेलेंट है स्पीच के, बोलने के इक्विवेलेंट है, तो वहां पे इसको इस तरह पढ़ा जाएगा कि मियर साइलेंस फ्रॉड नहीं होता अनलेस इज साइलेंस इज इटसेल्फ स्पीच, अगर साइलेंस ही स्पीच है तो ना साइलेंस फ्रॉड होगा, या अगर स्पीकिंग की ड्यूटी थी और आदमी साइलेंट रहा तो भी फ्रॉड होगा, प्रोवाइडेड इंटेंशन टू डिसीव होनी चाहिए या इंड्यूसिंग इंटेंशन ही होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने के लिए इंड्यूस करना। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये कही है कि केवल वैसे साइलेंट हो जाना फ्रॉड नहीं है, लेकिन जहाँ पे साइलेंट होने की ड्यूटी नहीं थी, जहाँ बोलने की ड्यूटी थी और मैं साइलेंट हो गया, तो वो फ्रॉड में आएगा। या मेरा ना बोलना ही स्पीच है, यानी कि मेरे ना बोलने से ही ये बात व्यक्त हो रही है कि मैं फ्रॉड कर रहा हूं, मेरा ना बोलना स्पीच के बराबर ही है, तो वो भी फ्रॉड माना जाएगा, वहां पर फ्रॉड माना जाएगा। लेकिन वैसे महज चुप हो जाना, क्योंकि बस संभावना से कि हाँ अगर मैं चुप हो गया तो दूसरा पर्सन विलिंग हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने, तो ऐसे में चुप होना एक चालाकी है लेकिन फ्रॉड नहीं है। संभावना पे काम करना कि ठीक है अगर मैं चुप रहा तो दूसरा पर्सन विलिंग हो जाएगा, लेकिन जहां मुझे बोलना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि ये जो एग्जांपल्स दिए इनको स्टडी करते हैं यहाँ पे टू अंडरस्टैंड इट बेटर। ए ऑक्शन में बी को एक घोड़ा बेचता है, ए जानता है कि वो घोड़ा सही नहीं है, अनसाउंड है, लेकिन ए बी से कुछ नहीं कहता घोड़े के अनसाउंड होने के बारे में, ठीक है, तो ये कोई फ्रॉड नहीं है ए के ऊपर, मतलब ए ने कोई फ्रॉड नहीं किया, क्योंकि ए जानता था कि घोड़ा अनसाउंड है, उसने बी से कुछ नहीं कहा, फिर बी की ड्यूटी थी ना चेक करने की अनसाउंड है कि नहीं, घोड़ा सामने है आपके,
वो अनसाउंड है कि नहीं है देख लीजिए। मैं टमाटर बेच रहा हूँ आपको, टमाटर आपके सामने है, टमाटर नीचे से गला है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप देख लीजिए टमाटर को चारों तरफ से देख लीजिए, उसके बाद भी आप खरीदते हैं तो मैंने कोई फ्रॉड थोड़ी किया आपके। फिर मैं चालाकी कर रहा हूँ, सब्जी वाले चालाकी करते हैं लेकिन फ्रॉड नहीं कर रहे। अगर वो आपको कोई सड़ा टमाटर बेच ले आते हैं, 10 टमाटर अच्छे दिए, एक दो टमाटर उसमें सड़े डाल दिए उन्होंने, भी देखना तो आपको, आप देख नहीं, आप देख ही नहीं रहे, आप तो विश्वास करके चल रहे हैं, तो वो कोई फ्रॉड नहीं है। इसी तरह से जो घोड़ा बेचा वन साउंड था, उसको जो खरीदार है उसको अपना माल चेक करना चाहिए क्या खरीद रहा है। तो यहां पर कोई ड्यूटी नहीं थी बोलने की ये के लिए, अगर ड्यूटी होती तो फ्रॉड होता। ये चुप हो गया, साइलेंस था ये का, क्योंकि वो जानता है कि मैं साइलेंट रहा तो इच्छुक हो जाएगा दूसरा व्यक्ति घोड़े को खरीदने के लिए, तो चालाकी करके मैं साइलेंट हो जाऊं। इसी तरह से बी जो है वो एक ही डॉटर है और अभी वो मेजर हुई है, शी हैज जस्ट कम ऑफ एज। यहाँ पर रिलेशन बिटवीन द पार्टीज वुड मेक इट एज ड्यूटी, जो पार्टियों का रिलेशन है वो ऐसा है कि ए की ये ड्यूटी है ये बी को बताने की अगर घोड़ा अनसाउंड है कि नहीं। अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में ही बी ए की डॉटर होती, ए बी को घोड़ा बेच रहा है, तो वहां पर उनका रिलेशन ऐसा है, सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस ऐसे हैं, ठीक है ना, अनलेस द सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस, जो सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस है, इस वर्ड को यहाँ पे, इस फ्रेज को यहाँ पे रेखांकित अगर किया जाए तो ये यहाँ पे इसको ध्यान में रखते हुए सेकेंड एग्जाम्पल बनाया गया है। सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं कि ए की ड्यूटी है क्योंकि बी उसकी डॉटर है, ए की ड्यूटी है ये उसको बताने की घोड़ा अनसाउंड है, क्योंकि वो जानता है कि बी मेरी डॉटर है और वो मेरी बात सुन के घोड़ा मुझसे खरीद लेगी क्योंकि हमारा रिश्ता ऐसा है। सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं केस के जहाँ जहाँ ए को बोलना चाहिए, क्योंकि वहाँ उसकी एक ड्यूटी बनती है कि एज ए पेरेंट अपने डॉटर को बताए, लेकिन बताता नहीं है वो, अगर तो उसने फॉरवर्ड फ्रॉड किया। अब बी कहती है ए को, बी कहता है ए को, इफ़ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल अज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड, ए सेज नथिंग, हियर ए साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। अब यह यहां बताया जा रहा है इक्विवेलेंट टू स्पीच कब होता है, ए का साइलेंस, जहां साइलेंस ही स्पीच होता है, जहां चुप्पी ही बोलती है। बी ने ए से कहा अगर आप इस बात को डिनाई नहीं करेंगे तो मैं मान के चलूंगी कि घोड़ा साउंड है, या तो आप कह दीजिए कि घोड़ा साउंड नहीं है, आप साफ तौर पे बोल दीजिए क्या घोड़ा साउंड है। जिसे हम कहते हैं अरे ये टमाटर अच्छा है, ये टमाटर सही है, या ये आम दशहरी ही है ना, अगर मुझे मालूम नहीं है कि वो आम दशहरी है कि नहीं, ये क्या आम दशहरी है, मुझे दशहरी आम खरीदना था, किसी भी वजह से मुझे तो कहा गया था या मैं खरीद रहा हूँ, तो मैं दुकानदार से पूछा क्या ये आम दशहरी है। अब वो उसकी ड्यूटी बन जाती है कि, और मैं उससे अगर कहता हूँ कि तुम अगर नहीं बोलोगे तो मैं मान लूंगा कि दशहरी, और नहीं बोलता तो उसका ना बोलना ही बोलना है क्योंकि उसने डिनाई नहीं किया, तो मैं तो मान लूंगा दशहरी। अब उसने मुझे फ्रॉड से दशहरी बेच दी क्योंकि मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन उससे पूछा था कि दशहरी नहीं है तो बता दो, तो वो चुप रहा, तो यानी कि उसने मेरे ऊपर फ्रॉड किया। अब ए एंड बी बीइंग ट्रेडर्स एंटर अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, ए और बी ट्रेडर्स हैं और वे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ए के पास प्राइवेट सूचना है, निजी सूचना है कि प्राइस बदल गए हैं, चेंज इन द प्राइस विच वुड अफेक्ट बीज विलिंगनेस टू प्रोसीड विद द कॉन्ट्रैक्ट, और अगर वो प्राइस बदलने की सूचना दे देगा बी को तो बी के विलिंगनेस पे उसका असर हो जाएगा।
लेकिन ऐसे कंडीशन में ए के पास सूचना है, जरूरी नहीं है कि ए बी को बताए, ए इज नॉट बाउंड टू इन्फॉर्म बी। ए ने कोई चीज हाई रेट पे कोट करी थी जिस पे बी एग्री कर रहा है, लेकिन तब तक रेट गिर गया था उसका, और ए को ये सूचना मिल गई थी, तो वहां पर ए को ये बताना जरूरी नहीं बी को, क्योंकि बी भी मार्केट में है, बी को भी अपने स्रोत रखने चाहिए प्राइसेस को पता लगाने के लिए। अगर मैं मंडी में जाता हूँ कोई सामान खरीदने और मैं दूसरों के दूसरे प्राइसेस को नहीं चेक करता हूँ, एक ही दुकान से सारा माल खरीद लूँ और जो सबसे महंगा दे रहा हो, तो उसको ये बताना ज़रूरी नहीं मुझे कि भाई बगल वाली दुकान में कम प्राइस में मिल रहा है, ये मेरी ड्यूटी है पता लगाने की। तो ए और बी जहाँ पर ट्रेडर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ए के पास प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है कि प्राइस कम हो गए हैं या चेंज हो गए हैं, जिसका असर बी के विलिंगनेस पे हो जाएगा, लेकिन उसके लिए उसको बताना ज़रूरी नहीं है। तो ये उसमें आता है कि जहाँ पे ए साइलेंट हो गया फैक्ट्स के बारे में, और वो जानता था कि इसकी संभावना ये है कि अगर वो बता देगा तो उसका अफेक्ट दूसरे पर्सन के विलिंगनेस पे हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, और वो चुप रहा, तो ये चुप रहना कोई फ्रॉड नहीं है। अब आते हैं सेक्शन 18 पे। सेक्शन 18 में कहा जा रहा है मिस रिप्रेजेंटेशन को डिफाइन किया जा रहा है। मिस रिप्रेजेंट करना अगर हम साधारण भाषा में सोचें तो जो चीज जैसी है उसको दूसरा बताना, उसको मिस रिप्रेजेंट कर देना। जैसे मैं किसी व्यक्ति को कहूं कि ये है आदर्श कुमार और असल में वो हो प्रशांत वर्मा, तो प्रशांत वर्मा को मैंने कहा ये आदर्श कुमार है, सबको मैंने सबके सामने उसको मिस रिप्रेजेंट किया, उसको गलत लाइट में दिखाया। किसी के बारे में मिस रिप्रेजेंटेशन करना एग्जैक्ट लीगल मीनिंग क्या है उसको हम समझते हैं। पॉजिटिव असर्शन इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट ऑफ दैट व्हिच इज नॉट ट्रू दो ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू। अब इस बात को बड़ा समझने की बात है कि एक व्यक्ति है उसके पास जो सूचना है, जो सूचना उसके पास है उससे ये जस्टिफिकेशन नहीं होता है कि कोई बात सत्य है। जो भी इंफॉर्मेशन है उसके पास उससे ये बात कन्फर्म नहीं होती है, जस्टिफाई नहीं होती कि वो बात सत्य है, हालांकि वो मानता है कि वो बात सत्य है। अब किसी के मानने पे तो जोर है नहीं, उसके पास कोई सूचना थी लेकिन उस सूचना से बनता तो नहीं है सच होना उस चीज का, लेकिन वो फिर भी मानता है, हो सकता है उस चीज में उसकी आस्था रही होगी, और आस्था के तो कोई कारण नहीं होते हैं। अगर कोई व्यक्ति विश्वास करता है कि कोई चीज सत्य है, ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू, हालांकि वो उसको सत्य मानता है, सत्य विश्वास करता है, लेकिन उसके पास जो सूचना है नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, जो सूचना है उससे साबित नहीं होता, उससे जस्टिफाई नहीं होता कि वो सही है, और वो चीज सही है भी नहीं, दैट विच इज नॉट ट्रू, एक असत्य चीज जिसको कोई मानता है कि वो सत्य है, भले ही उसके पास जो सूचना है उससे ये जस्टिफाई नहीं होता कि वो चीज सत्य है, लेकिन उसको उसका वो पॉजिटिव असर्शन करता है कि वो कहता है कि सत्य है। असर्ट करना मतलब जोर देके कहना किसी बात को, पॉजिटिव असर्शन करना मतलब सकारात्मक रूप से कहना कि कोई बात सही है। यानी अगर कोई ऐसी चीज है जिसको विश्वास करता है कि सही है लेकिन वो चीज सही है नहीं, और उसकी सूचना के अनुसार भी उससे भी बनता नहीं है कि उसका सही होना, और फिर भी वो सूचना पे ध्यान नहीं देके अपने विश्वास पे चल के कहता है कि ये बात सही है, तो वो उस बात का मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है।
ही इज डूइंग अ मिसरिप्रेजेंटेशन, उसको अपने सूचना को देखना चाहिए और अपने विश्वास को देख के नहीं कह देना चाहिए कोई बात सही है। सूचना ये आ रही है, किसी चीज के बारे में सूचना हो सकती है, एक पर्सन के पास सूचना है कि कोई कहीं पर कोई अर्थक्वेक आ गया, सूचना आई अर्थक्वेक की, अब उसको जाने कैसे विश्वास था बहुत दिनों से कि वहाँ अर्थक्वेक आएगा, बहुत बड़ा अर्थक्वेक आएगा, तो वो उसको विश्वास है कि बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक छोटा है, उसकी सूचना के अनुसार अर्थक्वेक 3.6 रिक्टर स्केल का है, छोटा है, लेकिन उसको विश्वास है, विश्वास के आधार पर, लेकिन वो बात सही नहीं भी है कि वो बड़ा अर्थक्वेक था, लेकिन फिर भी वो सबसे कह रहा है बड़ा अर्थक्वेक है, बड़ा अर्थक्वेक है, वो मिसरिप्रेजेंट कर रहा है, उसके पास सूचना ही नहीं है, बिना सूचना के बात कह रहा है, तो वो एक मिसरिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या आता है, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच विदाउट एन इंटेंशन टू डिसीव गेन्स एन एडवांटेज टू द पर्सन कमिटिंग इट और एनीवन क्लेमिंग अंडर हिम बाय मिसलीडिंग अनदर टू हिज प्रेजुडिस और टू द प्रेजुडिस ऑफ एनीवन क्लेमिंग अंडर हिम। तो यहाँ पर मतलब इसका यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने ड्यूटी को नहीं करता, ब्रीच ऑफ ड्यूटी करता है, और वो ड्यूटी ना करने की वजह से उसको एक एडवांटेज मिल जाता है, कोई भी उसको एडवांटेज मिल जाता है ड्यूटी ना करने की वजह से, उसको एडवांटेज मिल जाता है, कोई ड्यूटी का ब्रीच कर दिया, उसका ये इंटेंशन नहीं था कि वो किसी को डिसीव करेगा, किसी को धोखा देने का इंटेंशन नहीं था, बस ड्यूटी का ब्रीच कर दिया उसने, ब्रीच ऑफ ड्यूटी करने से उसको एक एडवांटेज मिल गया, गेन्स एन एडवांटेज द पर्सन कमिटिंग, जो भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर रहा है उसके लिए कोई एडवांटेज हो गया, या कोई पर्सन उसके अंतर्गत क्लेम कर रहा है, नहीं उसका, उसकी वजह से उसके लिए क्लेम कर रहा है तो उसको मिल गया एडवांटेज, उसका कोई भी एजेंट या कोई पर्सन, और उससे क्या हुआ, बाय मिसलीडिंग अनदर टू हिज प्रेजुडिस, उसको एडवांटेज तो मिला लेकिन दूसरे के लिए प्रतिकूलता हो गई। यहाँ पे मिसलीडिंग अनदर बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा गलत डायरेक्शन में मिसलीड हो गया और उसका प्रेजुडिस हो गया, और एडवांटेज किसको मिला, जो जिसने वो ब्रीच किया था अपने ड्यूटी को, जो उसकी ड्यूटी थी उसने ब्रीच किया, और उसकी वजह से क्या हुआ कि दूसरा व्यक्ति जो था उसका नुकसान हो गया और इनका फायदा हो गया, और जिसका नुकसान हुआ या उसके एजेंट का भी नुकसान हुआ या एनीवन क्लेमिंग अंडर हिम। तो यहाँ दो चीज़ें हैं, तीन चीज़ें राधर, पहली बात तो एक ब्रीच ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए, इंटेंशन टू डिसीव भले ही ना हो, कोई ऐसी मंशा नहीं हो कि मुझे धोखा देना है किसी को, मंशा केवल फायदा लेने की है, लेकिन जहां पर मंशा केवल फायदा लेने की थी कि दूसरा व्यक्ति लेकिन मिसलीड हो गया बाय मिसलीडिंग अनदर टू हिज प्रेजुडिस, ब्रीच ऑफ ड्यूटी की जा रही है दूसरे को मिसलीड करके, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय मिसलीडिंग अनदर टू हिज प्रेजुडिस, दूसरे को मिसलीड करके अपना ड्यूटी को ब्रीच करना, और जो हमारी ड्यूटी है वो कुछ और थी लेकिन मैं अपनी ड्यूटी की जगह कुछ और कर दिया जिससे दूसरा व्यक्ति मिसलीड हो गया और उसका उसको लिए प्रतिकूलता आ गई और हमारा फायदा हो गया, यानी जो ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर रहा है उसका फायदा हो गया और प्रतिकूलता किसके लिए आई, जिसको जो मिसलीड हो गया। तो ये भी एक मिसरिप्रेजेंटेशन का केस हो जाएगा। और तीन में आ रहा है, कॉजिंग हाउएवर इनोसेंटली अ पार्टी टू एन एग्रीमेंट टू मेक अ मिस्टेक एज टू द सब्सटेंस ऑफ द थिंग विच इज द सब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट, ये कारित करना, चाहे भले ही इसको इनोसेंटली कारित किया, निर्दोषता से किया गया हो, लेकिन कारित किया गया है, कोई भी एग्रीमेंट की पार्टी है उसको निर्दोष होते हुए भी ये कारित कर दिया गया कि वो कोई गलती कर दे, किसी से गलती करवा देना इनोसेंटली, इनोसेंटली मतलब
कोई मंशा नहीं है लेकिन फिर भी गलती करवा दी, हाउएवर इनोसेंटली, कितना भी इनोसेंटली हो, अगर इनोसेंट इनोसेंट होना यहाँ पे बचे बचाव का बचाव नहीं करेगा। लेकिन अगर आप पॉज करते हैं किसी पार्टी को कि वो गलती कर दे किसी चीज़ के सब्सटेंस के बारे में, जो कि एग्रीमेंट का सब्जेक्ट है, एग्रीमेंट का जो विषय है उसके सब्सटेंस के बारे में अगर कोई गलती कर जाए और ये गलती कारित की कराई गई हो दूसरे व्यक्ति के द्वारा, तो अगर कोई गलती कारित कराया दे रहा है तो वो मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, या भले ही इनोसेंटली गलती कारित करा रहा है, उसका कोई इंटेंशन नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति है जिसका कोई एग्रीमेंट से कोई लेना देना नहीं है और वो कहता है कि साहब ये जो बिल्डिंग है, किसी बिल्डिंग के बारे में बोलता है कि वो जो बिल्डिंग है वो बहुत अच्छी बिल्डिंग, अच्छा आप उस बिल्डिंग को खरीदने जा रहे थे, तो वो व्यक्ति इनोसेंट था कि उसको ये मालूम नहीं कि आप उसको खरीदने जा रहे हैं, लेकिन वो इनोसेंटली आपको, आप एक एग्रीमेंट की पार्टी हैं और आपसे मिस्टेक करवा दे रहा है, आप उस एग्रीमेंट को कर दे रहे हैं, साइन कर दे रहे हैं उसको, क्योंकि वो बोल दिया था कि वो बिल्डिंग बड़ी अच्छी है, कई लोगों को वहां खड़ा किया था बोलने के लिए, बिल्डिंग बड़ी अच्छी, बिल्डिंग बड़ी अच्छी, बिल्डिंग बड़ी अच्छी है। अब वो इनोसेंट इसलिए हैं क्योंकि वो किसी को इन पर्सन नहीं बोल रहे, हो सकता है ऐसी हवा में बोल रहे हैं, वो निर्दोष इसलिए कहे जाएंगे कि वो किसी पर्सन को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने उनको बोलते सुन लिया और उससे आपने गलती कर दी उस चीज़ के बारे में, यानी कि आपको ये अंदाज हो गया कि अच्छी है लेकिन वो अच्छी नहीं थी, तो वो व्यक्ति भी मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। यानी इस तरह से मार्केट में जाके झूठ झूठ फैलाना कि भाई ये चीज़ बड़ी अच्छी है, ये चीज़ बड़ी अच्छी है, वो भी मिस रिप्रेजेंटेशन है, भले ही वो इनोसेंटली, कितना भी इनोसेंटली किया जाए, हाउएवर इनोसेंटली का मतलब है कितना भी इनोसेंटली, कितना भी निर्दोषपन से ऐसा किया जा रहा हो, वो मिस रिप्रेजेंटेशन ही माना जाएगा। तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन की टेक्निकल डेफिनेशन है। इसके बाद आते हैं सेक्शन 19 पे, एंड सेक्शन 19 सेज वॉइडेबिलिटी ऑफ द एग्रीमेंट्स विदाउट फ्री कंसेंट। हमने देख लिया कि कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो हम देख चुके हैं, अब परिणाम क्या होगा अगर फ्री कंसेंट से नहीं होता है। हम सोच सकते हैं कि फ्री कंसेंट से नहीं है तो ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं, अब एग्रीमेंट तो हो गई है, तो अब उसका क्या करें एग्रीमेंट का। नाउ 19 सेज दैट व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय कोर्शन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इन तीन चीज से अगर कोई कंसेंट की जाती है एग्रीमेंट की, एग्रीमेंट की कंसेंट कारित की गई है कॉर्शन, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन से, क्योंकि बिना फ्री कंसेंट के हो रहा है ये, तो एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉस्ट। तो ये एग्रीमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, पहले हम कह चुके हैं कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता जब तक फ्री कंसेंट से ना किया जाए। अब हम कह रहे हैं कि फ्री कंसेंट के जो तीन पहलू हैं, अगर इन पहलुओं से कंसेंट होती है तो वो एग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन उस पार्टी के जिसके कंसेंट कॉज की गई है वो इसको वॉइडेबल करा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट तो वो मान लिया जाएगा अगर वो पार्टी जिसका कंसेंट कार्य कराया गया वो उसको वॉइडेबल ना कराए। भाई मान लीजिए जिसको पता ही नहीं है कि उसके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, जिसको पता ही नहीं उसके साथ फ्रॉड हुआ है, जिसको पता ही नहीं है उसके साथ कोर्शन करके उसको कराया गया है, या पता भी है तो वो वर्डबल करा नहीं रहा, वो झेल रहा है कोर्शन को। अगर मैं कोर्शन झेलना का तैयार हूँ और झेल के मैं एग्रीमेंट करने को तैयार हूँ तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, तब वो एग्रीमेंट वर्डबल नहीं है, तब वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है और वो
वॉइड नहीं है। हाँ मैं चाहूँ उसको वॉइड करा सकता हूँ, आई कैन ऑलवेज गो टू द कोर्ट एंड से या आई कैन टेल दैट अदर पर्सन दिस इज अ फ्रॉड, दिस इज अ मिसरिप्रेजेंटेशन, दिस इज अ कोर्शन एंड देयरफॉर दिस एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, आई विल नॉट गो बाय इट, दिस इज वॉइड, ये नल एंड वॉइड है। वैसे कंडीशन में मैं वॉइडेबल करा, मेरे कराने से वो वॉइड हो जाएगा, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड, पर ऑटोमेटिकली वॉइड नहीं है। अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हुज कंसेंट वाज कॉज्ड बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, इसमें ये दो बातें हैं, कॉशन नहीं लिखा हुआ है। एक पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसका कंसेंट फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से कारित किया गया हो, मे इफ यू थिंक्स फिट इंसिस्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म, वो पार्टी अगर चाहे तो वो इंसिस्ट कर सकती है, वो आग्रह कर सकती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा। मतलब फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन को जानने के बाद भी वो पार्टी ये कह सकती है कि क्वेश्चन जहां वो जानती वहां तो वो कहेगी भी नहीं उसको कॉन्ट्रैक्ट कोई क्वेश्चन में कराया गया था, हाँ वॉइडेबल ना कराए, ठीक जो क्वेश्चन में कराया गया तो दूसरा पार्टी क्वेश्चन कर रहा है तो हट थोड़ी जाएगा क्वेश्चन से, हट जाए तो ठीक है दोनों पार्टियां हट गई कॉन्ट्रैक्ट से, तो दोनों पार्टियां म्यूचुअली कभी भी डिसाइड कर सकती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा कैंसिल हो गया, तो उनको कोई मना नहीं कर सकता। अगर दो पार्टियां आपस में मिल जाएं और कहें कि अब ये कैंसिल हो गया कॉन्ट्रैक्ट, तो ठीक है कैंसिल हो गया, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर दोनों पार्टियों की मिलीभगत नहीं हो, एक पार्टी दूसरे को क्वेर्स करके करा रही है, फोर्स कर रही है, तो पीछे थोड़ी हटेगी, तो करा के छोड़ेगी। तो ये जो पर्सन है जिसका क्वेश्चन हो रहा है वो कोर्ट में जाके उसको वॉइडेबल, वो वॉइड घोषित करा सकता है। लेकिन उसके बारे में ये कहना कि वो जबरदस्ती जाके उसको कराएगा ही कराएगा कॉन्ट्रैक्ट को, तो भी करो करो, वो तो ना वो कहेगा ना जो कोर्स, वो तो कोर्स करने वाला कह रहा है ना, वो थोड़ी कहेगा। इसलिए यहाँ पे फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन ही लिखा हुआ है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी जिसका कंसेंट फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से कारित किया गया था, अगर वो फिट समझती है तो वो आग्रह कर सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाए, and that he shall be put in a position in which he would have been if the representations made had been true. और वो ये आग्रह कर सकती है पार्टी कि उसे ऐसी पोजीशन में रख दिया जाए जिसमें वो रहता अगर वो रिप्रेजेंटेशन जो थी वो सही होती, ऐसे पोजीशन में उसको रख दिया जाए। तो यहाँ पर क्या है कि उसको भरपाई इस तरह से हो रही है, पार्टी की भरपाई इस तरह से हो रही है। वो कह रहा है कि अगर जो जो मिस जो भी मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया या जो फ्रॉड का जो रिप्रेजेंटेशन किया गया, जो यहाँ जो रिप्रेजेंटेशंस की बात हो रही है वो केवल मिस रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन दोनों ही रिप्रेजेंटेशंस हैं। तो जहाँ फ्रॉड करके कहा गया है, कोई फ्रॉड किया गया है कि ये प्रॉपर्टी, जैसे कहा गया कि कुछ भी फ्रॉड करके झूठ बोल के और डिसीव किया गया, तो वो पार्टी कह सकती है कि ये अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, उसकी भरपाई के लिए कहा जा रहा है। वो कह रहे हाँ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, लेकिन जो आपने मिसरिप्रेजेंट किया है उसको, वो अगर सत्य होता ऐसे मानते हुए ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा। और मुझे ऐसी पोजीशन में रखा जाएगा, जैसे किसी को कहा गया कि प्रॉपर्टी के अंदर डायमंड रखा हुआ है और फ्रॉड किया गया था, वो डायमंड तो था नहीं वहां, और फ्रॉड करके उसको प्रॉपर्टी बेच दी गई ज्यादा प्राइस में कि वहां पे कोहिनूर डायमंड रखा है, प्रॉपर्टी थी 20 लाख की, उसको 5 करोड़ में बेच दिया या 120 करोड़ में बेच दिया कि अंदर कोहिनूर डायमंड रखा है, कोहिनूर डायमंड अंदर था नहीं, मतलब जो भी है फ्रॉड किया गया उसके साथ, और इस तरह से जब फ्रॉड कर दिया गया तो वो पार्टी बाद में कह सकती है
कि मुझे उसी पोजीशन में लाइए कि जैसे कि जो आपने रिप्रेजेंटेशन किया है फ्रॉड में वो सही हो, यानी अब रखिए आप कोहिनूर डायमंड वहां पे, तब बेचिए मुझे उसको। वो पार्टी इंसिस्ट कर सकती है अगर वो फिट समझती है तो, और अगर वो फिट नहीं समझती तो उसको अवॉइड करा देगी, अवॉइड करा देगी, या वो फिट समझती है कि ऐसे करने से कुछ फायदा होगा तो उसके पास ये ऑप्शन भी है। जिसके साथ भी फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है वो ये कह सकती है कि मुझे उस पोजीशन में रखिए जिस आई शैल बी पुट इन दैट पोजीशन, जिसमें अगर रिप्रेजेंटेशन सही हो जाती, इन विच ही वुड हैव बीन, जिसमें मैं होता जिस पोजीशन में, अगर वो रिप्रेजेंटेशन सही होती तो उसी पोजीशन में मुझे करिए, ये वो इंसिस्ट कर सकता है। और एक्सेप्शन है इफ सच कंसेंट वॉज कॉज बाय मिस रिप्रेजेंटेशन और बाय साइलेंस फ्रॉडुलेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 17। अगर जो कंसेंट किया गया था वो मिस रिप्रेजेंटेशन से किया गया था या साइलेंस से किया गया था, ऐसा साइलेंस जो कि फ्रॉडुलेंट है, हमने ऊपर देखा था कि कई बार साइलेंस भी फ्रॉडुलेंट हो जाता है। जब भी कोई कंसेंट किसी मिसप्रेजेंटेशन से या फ्रॉडुलेंट साइलेंस से किया गया है तो जो कॉन्ट्रैक्ट है नेवर्थलेस इज नॉट वॉइडेबल, द कॉन्ट्रैक्ट नेवर्थलेस इज नॉट वॉइडेबल इफ द पार्टी हिज कंसेंट वाज सो कॉज्ड। अगर वो पार्टी जिसका कंसेंट किया करा लिया गया उसके पास मीन्स थे ये डिस्कवर करने के, उसके पास वो जरिए थे डिस्कवर करने के कि ट्रुथ क्या है, अगर वो साधारण डिलीजेंस से काम करती, साधारण सतर्कता, साधारण ध्यान रखते हुए, साधारण ध्यान पूर्वक अगर वो कार्य करती तो वो ट्रुथ को डिस्कवर कर सकती थी, उसके पास मीन्स थे डिस्कवर करने के ट्रुथ को। तो भले ही जो कंसेंट है उसकी मिस रिप्रेजेंटेशन करके ली गई हो या साइलेंस से ली गई हो, लेकिन अगर उसके पास तरीके थे ट्रुथ को डिस्कवर करने के तो वो वॉइडेबल नहीं है। ये एक एक्सेप्शन है कि कहाँ पे अवॉइडेबल नहीं होगा, अगर उस पार्टी के पास तरीके थे, ये केवल मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए और फ्रॉडुलेंट साइलेंस वाला केस। दूसरे व्यक्ति के पास तरीके थे पता लगाने के, पता लगा लेता, और अगर तरीके थे पता लगाने के लेकिन उसके बावजूद फ्रॉडुलेंट साइलेंस हो गया, राइट। तो जैसे यहाँ पे ये हो रहा है कि कोई व्यक्ति से मैंने पूछा कि तुम अगर अगर ये नहीं कहोगे कि ये दशहरी आम नहीं है तो मैं मानूंगा कि दशहरी आम है, और वो चुप रहता है, तो यानी कि वो फ्रॉडुलेंट साइलेंस प्ले कर रहा है मेरे लिए। लेकिन अगर मेरे पास भी कोई जानने का तरीका हो, भाई मैं उस आम को लेके बगल पूछ सकता हूँ दशहरी है, तो अगर मैं पता लगा सकूँ, मेरे पास तरीके हैं पता लगाने, या मेरे पास मोबाइल में फोटो खींच, मेरे पास दशहरी की देख सकता हूँ और उससे कंपेयर कर सकता हूँ, मेरे पास तरीके हैं, ये ऐसा ट्रूथ है जो मैं डिस्कवर कर सकता हूँ, तो वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि तुमने मुझे दशहरी नहीं दिया, ये वापस ले लो, क्योंकि तो मेरे पास तरीके थे ट्रुथ को डिस्कवर करने के लिए। अगर मैं साधारण ध्यान पूर्वक काम करता, ऑर्डिनरी डिलीजेंस से अगर काम करता तो मेरे पास तरीके थे, लेकिन मैंने ऑर्डिनरी डिलीजेंस का प्रयोग नहीं किया और इसकी वजह से मेरे साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया या मेरे साथ फ्रॉडुलेंट साइलेंस हो गया, तो लॉ ऐसे व्यक्ति को प्रोटेक्ट नहीं करती जो ऑर्डिनरी डिलीजेंस से काम नहीं कर रहा है। जगह जगह उसके साथ तो फ्रॉड होता रहेगा, उसके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन होता रहेगा। हर व्यक्ति को एक मिनिमम ऑर्डिनरी डिलीजेंस वाली सतर्कता बरतना हर व्यक्ति का जिम्मेदारी है, ड्यूटी है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में आ रहा है कि अ फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन व्हिच डिड नॉट कॉज द कंसेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पार्टी ऑन हुम सच फ्रॉड वाज प्रैक्टिस्ड और टू हुम सच मिसरिप्रेजेंटेशन वाज मेड डज नॉट रेंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। अगर फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से कंसेंट नहीं हुआ था, कंसेंट अगर वो फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं भी होता तो भी कंसेंट हो जाता, और कंसेंट वाज नॉट कॉज बाय द फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन,
उस पार्टी का कंसेंट जिसके ऊपर फ्रॉड प्रैक्टिस किया गया या जिस पार्टी के ऊपर इस पार्टी को मिसरिप्रेजेंट किया गया किसी चीज को, उस पार्टी का जो कंसेंट था वो उस फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से नहीं हुआ, किसी और वजह से उसका कंसेंट हुआ है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं है। लेकिन ये बात साबित करनी होगी कि जो कंसेंट है वो किस वजह से हुआ है, और ये मतलब फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से नहीं हुआ। तो ये बात भी बहुत जरूरी है यहाँ पे, ये बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है कि अगर फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से कंसेंट नहीं हुआ है तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसके जो इलस्ट्रेशन हैं उसमें पहला इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए की मंशा है कि बी को धोखा देने की, और इस मंशा के साथ वो फॉल्सली रिप्रेजेंट करता है कि 500 जो मन इंडिगो है वो हर साल बनाई जाती है ए की फैक्ट्री में। वो कह रहा है कि मेरी फैक्ट्री में हर साल 500 मन इंडिगो बन रही है, नील इंडिगो मतलब नील बन रही है, और इसके इस और तब वो इंड्यूस कर लेता है बी को कि उस फैक्ट्री को खरीद ले। बी सोचता है हाँ कि 500 बंद इसमें इंडिगो बन रही है तो उस फैक्ट्री को खरीद लेता, लेकिन ये बात गलत थी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये बी इसको वॉइडेबल करा सकता है क्योंकि 500 बंद इंडिगो बन रही कि नहीं बन रही है, यदि उसके पास ऑर्डिनरी डिलीजेंस कोई तरीका नहीं था ये पता लगाने का, क्योंकि जब तक अंदर नहीं जाएगा फैक्ट्री में कैसे पता लगाएगा। हालांकि उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करता, अगर वो कहता कि मुझे अंदर जाके देखना है क्या काम बन रही कि नहीं बन रही। हाँ इसलिए तो कह रहे हैं खराब हो जाएगा वो, तुम ऐसा करोगे तो। तो ऐसे कंडीशन में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। उसके बाद बी है, ए मिसरिप्रेजेंटेशन करता है, मिसरिप्रेजेंट करता है और बी को वो गलती से ये विश्वास दिला देता है। लीड्स बी इरोनियसली, बी एरर कर देता है और वो विश्वास कर लेता है कि 500 मन इंडिगो एनुअली बन रही थी ए के फैक्ट्री में, और ए ने इस बात को मिसरिप्रेजेंट किया है बी। बी जाता है और फैक्ट्री में अकाउंट्स को एग्जामिन करता है, और जब अकाउंट्स को एग्जामिन करता है तो वो दिखा रहे हैं उसको कि केवल 400 मन इंडिगो बन रही है उस फैक्ट्री में, और उसके बाद भी बी फैक्ट्री को खरीद लेता है। ए ने कहा था उसमें 500 बन रही है, बी जाता है देखता है कि 400 बन रही है, उसके बावजूद फैक्ट्री को खरीद लेता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं है ए के मिसरिप्रेजेंटेशन से, क्योंकि जो भी कंसेंट हुआ है ये उसके बावजूद हुआ है जो भी मिसरिप्रेजेंटेशन किया गया, तो ये एक्सप्लेनेशन में कवर होता है। उसका सी है, ए फ्रॉडुलेंटली बी को इन्फॉर्म करता है कि ए की जो एस्टेट है वो किसी भी एनकम्बरेंस से फ्री है, यानी उसके ऊपर कोई भार नहीं है, कोई लोन वगैरह नहीं है, कोई और भार नहीं है, वो एनकम्बरेंस से फ्री है। ENCUMBRANCE बी इसलिए उसको खरीद लेता है एस्टेट को कि भाई इनकम्बरेंस फ्री है मैं खरीद लूंगा। एस्टेट जो थी उस पर मॉर्गेज था, तो बी या तो उसको कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा सकता है क्योंकि फ्रॉडुलेंटली उसको बेचा गया, या वो ये भी कह सकता है कि इसकी मॉर्गेज जो थी उसको वापस करिए, जो मॉर्गेज डेट थी वो डेट को आप वापस करिए और मुझे ये चाहिए प्रॉपर्टी, लेकिन मुझे इसको एनकम्बरेंस फ्री करके दीजिए। ही मे इंसिस्ट की मुझे इसको एनकम्बरेंस फ्री करके दीजिए। ये उसमें आता है कि पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हुज कंसेंट वाज कॉज्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, इफ ही थिंक्स फिट ही शैल इंसिस्ट, ही थिंक्स फिट इफ ही थिंक्स फिट ही मे इंसिस्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म, and he shall be put in a position in which he would have been
उस पोजिशन में जिसमें वो होता अगर रिप्रेजेंटेशन सत्य होती, सत्य रही होती, तो उसी पोजिशन में उसको डाल दिया जाए। ये आ रहा है सी में। तो वो कह सकता है कि मोर्टगेज को, मोर्टगेज की जो डेट है उसको रिडीम किया जाए और प्रॉपर्टी मुझे इनकम्बरेंस फ्री करके दिया जाए। ऐसे डी में कहा गया है कि बी ये डिस्कवर कर लेता है कि ए की एस्टेट में एक और की वेन है, यानी और नीचे है, जमीन के नीचे और है, खनिज है, और वो तरीके ढूंढता है उसको छुपा लेने के। ही अडॉप्ट्स द मीन्स टू कंसील एंड डज कंसील, और छुपा भी लेता है कि उस और का एग्जिस्टेंस है, ए से इस बात को छुपा लेता है। अब थ्रू एज इग्नोरेंस बी इज अनेबल टू बाय द एस्टेट एट एन अंडरवैल, और ए चूंकि इग्नोरेंट है वो बी को कम दाम पे बेच देता है उसको। अब यहां पे क्या हुआ है कि जो कंसीलमेंट किया गया है उसके लिए तरीके ढूंढे गए हैं। ही अडॉप्ट्स द मीन्स टू कंसील, और इस बात को वो उसकी नॉलेज में थी, और इसके लिए उसको बोलना चाहिए था कि इसमें वे मेरे नॉलेज में है। तो अगर वो बोल देता तो उसने बोला नहीं, और उसने उस बात को मिसरिप्रेजेंट किया, और इससे उसने कम दाम पे प्रॉपर्टी खरीदी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ ए। उसके बाद ए इज एंटाइटल टू सक्सीड टू एन एस्टेट एट द डेथ ऑफ बी। अगर बी की मृत्यु हो जाती है तो ए उस एस्टेट में सक्सीड करेगा। बी की मृत्यु हो जाती है, सी को ये इंटेलिजेंस प्राप्त होती है कि बी की मृत्यु हो गई है, और वो इस इंटेलिजेंस को ए तक पहुंचने नहीं देता। ही प्रिवेंट्स द इंटेलिजेंस फ्रॉम रीचिंग ए, और इसके द्वारा वो इस तरह से वो ए को प्रेरित कर लेता है कि वो उस प्रॉपर्टी को बेच दे, टू सेल हिम हिज इंटरेस्ट इन द स्टेट, कि अपना इंटरेस्ट मुझे बेच दो। तो वो जानता नहीं कि वो बी, ए जानता नहीं कि बी की डेथ हो गई है, और अब वो पूरा स्टेट मेरे पास है। तो ऐसे कंडीशन में ये सेल वॉइडेबल हो जाएगी ए के ऑप्शन पे, क्योंकि वो इंटेलिजेंस को पहुंचने नहीं दे रहा, उसने एक्टिव स्टेप्स लिए कि इंटेलिजेंस पहुंचे ही ना ए के पास। तो एक तरह से वो फ्रॉड कर रहा है, और इसलिए ये सेल जो है ये ए के ऑप्शन पे वॉइडेबल हो जाएगी। और 19 ए में कहा जा रहा है कि जहां पर कंसेंट जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से होती है, तो जो एग्रीमेंट है वो वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉस्ट। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में क्लियर किया जा रहा है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस से भी जो कंसेंट की जाती है वो भी वॉइडेबल है, उसको वॉइड करार किया जा सकता है। Any such contract may be set aside either absolutely or if the party who was entitled to avoid it has received any benefit thereunder upon such terms and conditions as the court may deem just। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड किया जा सकता है, या तो पूरी तरह से पूर्णतया एब्सोल्युटली, या अगर वो पार्टी जो कि उसको अवॉइड करा सकती थी, यानी उसको वॉइड घोषित करा सकती थी, एंटाइटल टू अवॉइड का मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को जो वॉइड घोषित करा सकती थी कोर्ट से, उसके लिए हकदार थी, अगर उस पार्टी ने कोई बेनिफिट रिसीव कर लिया है तो कोर्ट ऐसी शर्तें रख सकता है, ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस रख सकता है जो उसको जस्टिफाइड लगते हैं, जो न्यायपूर्ण लगते हैं, कि इतना बेनिफिट आप इसमें से उठा चुके हो तो वॉइड तो घोषित कर देगा कोर्ट, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगा के उसको वॉइड घोषित करेगा, क्योंकि जो पार्टी थी जिसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ वो पार्टी बाद में आई है कोर्ट के पास, और तब तक कुछ बेनिफिट्स उससे डिराइव कर चुकी है। वैसे कंडीशन में कोर्ट उसको पूरा का पूरा बेनिफिट नहीं देगा, और जो भी बेनिफिट डिराइव किया है उसने उसको उसकी भरपाई कराते हुए टर्म्स एंड कंडीशंस लगा देगा, और तब जाके वो कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड घोषित करेगा।
जैसे इलस्ट्रेशन, हम एक इलस्ट्रेशन इसका देख लेते हैं कि ए का बेटा था, उसने बी का नाम फोर्ज कर दिया, एक प्रॉमिसरी नोट पे फोर्जरी से बी का नाम डाल दिया, और बी अंडर थ्रेट ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ए सन, बी इस थ्रेट में है कि ए के बेटे को वो प्रोसिक्यूट करे, एंड ही ऑब्टेन्स अ बॉन्ड फ्रॉम ए फॉर द अमाउंट ऑफ द फोर्ज नोट। वो उससे बॉन्ड भरवा लेता है जो भी फोर्ज नोट था उसके बराबरी का। इफ यू सीज सूज ऑन दिस बॉन्ड, इस बॉन्ड पे अगर बी इसको सू करता है तो कोर्ट में सेट द बॉन्ड असाइड। कोर्ट जो है ऐसे बॉन्ड को सेट असाइड कर सकता है जो ए के सन ने बी का नाम पहले प्रॉमिसरी नोट पे, ए के सन ने क्या किया कि बी का नाम डाल दिया जो कि बी का नाम प्रॉमिसरी नोट पे नहीं था। अब बी जब थ्रेटन करेगा कि मैं तुमको प्रोसिक्यूट कर दूंगा, ए के सन को उसने थ्रेटन किया, तुमने मेरा नाम क्यों डाला, मैं तुमको प्रोसिक्यूट करूंगा, तो जब वो थ्रेटन करता है तो वो एक बॉन्ड ले लेता है ए से, जो भी फोर्ज नोट का अमाउंट था, फोर्ज नोट बनवाया था उसके लिए बॉन्ड ले लेता है उससे। तो अगर अब जो बॉन्ड जब उसने ले लिया तो बी उस बॉन्ड पे अगर सू करेगा तो इफ बी सूज ऑन दिस बॉन्ड द कोर्ट में सेट द बॉन्ड असाइड। तो कोर्ट कह देगा कि उस बॉन्ड का अब वैल्यू नहीं है, क्योंकि या तो आपने बॉन्ड ले लिया है, अब आप सू क्यों कर रहे हो उसको। अगर आपको सू करना है, यानी कि आपको ऑप्शन, आपके पास वॉइड कराने का ऑप्शन है, तो वॉइड कराइए उसको। और अगर आप कोई बेनिफिट उठा चुके हैं, यानी बॉन्ड एक बेनिफिट है, बॉन्ड इज अ बेनिफिट विच हैज बीन रिसीव्ड बाय दी पार्टी, तो जब बॉन्ड एक बेनिफिट प्राप्त हो गया है तो कोर्ट क्या कहेगा, आप आए हैं हमारे सामने, बी को बोलेगा कि आप हमारे सामने आए हैं और आप ये कह रहे हैं कि उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दिया जाए या प्रॉमिसरी नोट में हमारा जो नाम पड़ा उसको हटा दिया जाए, तो पहले तो इस बॉन्ड को मैं कैंसिल करता हूँ, तभी मैं उसको वॉइड घोषित करूँगा, विच इज़ क्वाइट जस्टिफाइड। क्योंकि अनड्यू इन्फ्लुएंस करके प्रॉमिसरी नोट पे बी का नाम डाल दिया गया था और बी ने बॉन्ड भरवा लिया था, ये से बॉन्ड भरवा लिया था तो एक बेनिफिट, बॉन्ड भी एक बेनिफिट है, इस बॉन्ड को सेट असाइड किया कोर्ट ने, उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड घोषित किया। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन एंड वी हैव कम टू रूल 19A एंड आफ्टरनून सेशन विल बी एट 2:15 PM।